जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, हम सबके घरों में दिन की शुरुआत सबसे पहले एक प्याली चाय से होती है और इसमें इस्तेमाल होने वाला मुख्य इंग्रेडिएंट है दूध। दोस्तों, अगर हम अपने देश में दूध की खपत की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 37% लोगों के घरों में रोजाना 2 लीटर, 28% घरों में 1 लीटर और 10% घरों में 3 लीटर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार इस साल 2023 में भारत की आबादी 1.429 अरब हो जाएगी, जो चीन से लगभग 30 लाख अधिक होगी। इस बढ़ती जनसंख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिन ब दिन हमारे देश में दूध की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जब भी आप दूध लेने मार्केट में जाते होंगे तो अक्सर आपने मदर डेरी, अमूल या पारस जैसे ब्रांड के आउटलेट देखे होंगे और आपके मन में विचार भी आया होगा कि आखिर ये आउटलेट कैसे खोले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं उस कंपनी का नाम है मदर डेरी। दोस्तों, मदर डेरी की फ्रेंचाइजी आप किस तरीके से ले सकते हैं, आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर साथ ही आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम चैनल पर इसी तरीके से नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, मदर डेयरी फ्रेंचाइजी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मदर डेयरी कंपनी की, आखिर यह कंपनी है क्या। दूसरा, मदर डेयरी फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पर बात करेंगे। तीसरा, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी, यानी किस टाइप की फ्रेंचाइजी आपको लेनी होगी ये हम आपको बताएंगे। चौथा, इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी इस पर बात करेंगे। पांचवा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल, कितना बड़ा स्पेस व साथ ही इसके अलावा किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उस पर चर्चा करेंगे। छठा, हमने आपके लिए एक प्रॉफिट एनालिसिस तैयार किया है ताकि आपको यह पता चल सके कि इस बिजनेस से हर महीने आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपको कितना नेट प्रॉफिट होने जा रहा है। और दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताएंगे मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मदर डेयरी के बारे में तो यह भारत सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है। यह बोर्ड मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में काम करती है। यह कंपनी मेजरली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी सेल्स में डील करती है। मदर डेयरी की स्थापना 1974 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी के रूप में हुई थी। मदर डेयरी का बिजनेस मेनली दिल्ली एनसीआर के एरिया में फैला हुआ है, जहां कंपनी रोजाना लगभग 30 लाख लीटर दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, छाछ, लस्सी, घी वगैरह बेचती है। मदर डेयरी की प्रेजेंस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी है। बाजार में इसके लगभग 1500 मिल्क बूथ और 400 के आसपास सफल आउटलेट हैं, जहां कंपनी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती है। मदर डेयरी के खुद के ब्रांड के अलावा भी 2 ब्रांड हैं जिसमें यह काम करती है, पहला सफल और दूसरा धारा। सफल की बात करें तो इसके अंतर्गत कंपनी फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ ही फ्रोजन वेजिटेबल्स भी बेचती है। धारा ब्रांड के अंतर्गत कंपनी सभी तरह के एडिबल ऑयल्स बेचती है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर का तेल और इसके अलावा भी कई सारे। दोस्तों, अब बात करते हैं मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला, मदर डेयरी एक वेल नोन रेप्यूटेड और एक विश्वसनीय ब्रांड है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और इसी ब्रांड वैल्यू की वजह से कभी कस्टमर्स की कमी नहीं होती। दूसरा, मदर डेयरी अपने प्रोडक्ट्स की उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी के लिए जानी जाती है, जो इसे अन्य डेयरी प्रोडक्ट से अलग करती है।
तीसरा, मदर डेयरी के पास प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी को विभिन्न प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने का और साथ ही ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। चौथा, मदर डेयरी फ्रेंचाइजी द्वारा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है जिससे आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी, बिजनेस की प्लानिंग और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में मदद मिलती है। पांचवा, मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही कम पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मदर डेयरी कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदर डेयरी दो प्रकार की फ्रेंचाइजी मार्केट में प्रदान करती है। सबसे पहला मदर डेयरी मिल्क बूथ और दूसरा मदर डेयरी आइसक्रीम पार्लर। इन दोनों ही फ्रेंचाइजी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, फिर चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे स्पेस की या फिर रिटर्न की, तो सब चीजें डिफरेंट है। मगर आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मदर डेयरी मिल्क बूथ की। दोस्तों, अब बात करते हैं मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला, आपके पास अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है, जिसमें आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासबुक, इनकी जरूरत होगी। दूसरा, आपके पास अपने फाइनेंशियल प्रूफ होने चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, कैंसिल चेक वगैरह। तीसरा, अगर आपके पास अपनी खुद की शॉप है तो आपको उसकी रजिस्ट्री, कन्विंस डीड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी सबमिट करनी होगी। और अगर आपने कोई शॉप किराए पर ली है तो उसका आपको रेंटल एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। पांचवा, इस बिजनेस के लिए आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन और साथ में GST नंबर भी लेना होगा। छठा, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और आखिर में अपनी पर्सनल फोटोग्राफ के साथ साथ अपने शॉप की फोटो भी सबमिट करनी होगी। दोस्तों, अगर बात करें रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहला, मदर डेयरी आउटलेट के लिए आपके पास लगभग 100 से 150 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। साथ ही आपकी शॉप का किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि किसी मार्केट या किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में या फिर किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सके। और अगर मैन पावर की बात करें तो इस बिजनेस में आपको मात्र एक हेल्पर या फिर एक क्लीनर इसकी जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप आसानी से इस बिजनेस को चला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने इक्विपमेंट जैसे कि डीप फ्रीजर, फ्रिज वगैरह को सुचारू रूप से चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की भी जरूरत होगी। दोस्तों, अगर बात करें मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रांड सिक्योरिटी फीस के तौर पर 50,000 से 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरा, आपको अपनी शॉप के सेटअप और उसके रेनोवेशन के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी। शॉप में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए आपको लगभग 30 से 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इन सब के अलावा आपको वर्किंग कैपिटल के तौर पर भी 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब अगर हम इस टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मदर डेयरी कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी को कितना प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मदर डेयरी के प्रोडक्ट रेंज में अलग अलग मार्जिन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मिल्क की, तो इसमें लगभग 30 से 35 पैसे प्रति लीटर मार्जिन दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो इसमें लगभग 5 से 10% मार्जिन दिया जाता है। आइसक्रीम की बात करें तो लगभग 18 से 20% मार्जिन कंपनी द्वारा दिया जाता है। और अगर हम प्री पैक्ड आइसक्रीम की बात करें तो लगभग 20% मार्जिन फ्रेंचाइजी को मिलता है। इसके अलावा अगर हम और दूसरे प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कंपनी उसमें लगभग 10% ओवरऑल मार्जिन देती है। अब अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो आप लगभग 25 से 30% मार्जिन अपनी ग्रॉस सेल पर कमा सकते हैं। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो सारे खर्चे काटने के बाद आप हर महीने लगभग 15 से 20% इनकम आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मदर डेयरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने का क्या प्रोसीजर है। अगर आप चाहें तो अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज के साथ डायरेक्टली मदर डेयरी कंपनी, जिसका हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 1 में है, वहां उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन इसको अप्लाई करना, तो इसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप पहुंचे हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.motherdeyri.com, इस पर जाना होगा।
तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है चेतावनी, बिकॉज बहुत से लोग इस मदर डेयरी के नाम पे फ्रॉड भी करते हैं, तो आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। तो सबसे पहले आप ये पब्लिक नोटिस है इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपको कहां पर पेमेंट जमा करानी है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो यहां पर बेनिफिशियरी नेम दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर इनका बैंक अकाउंट नंबर है, साथ ही इनका बैंक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, और साथ ही इसका एड्रेस और IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो आप इसके अलावा किसी भी और वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी भी और दूसरे खाते में जाकर अपने पैसे मत जमा करवाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टैक्ट अस पर जाना होगा। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पर फीडबैक पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पे साफ साफ लिखा है राइट टू अस, आपको यहां आना होगा और यहां पे कंसर्न जो पहला कॉलम आएगा यहां पर आप क्लिक कीजिएगा, और साथ ही यहां पे ट्रेड इंक्वायरी के कॉलम पे आपको टिक करना होगा। यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है आपके नाम का, ये आपको भरना होगा, आपको अपना एड्रेस देना होगा, किस सिटी से हैं ये मेंशन करना होगा, आपको अपना स्टेट, आपको अपना पिन कोड, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी वो मेंशन करनी होगी, साथ ही आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। अब आप यहां पर एक विंडो देख पा रहे होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी, तो यहां पर आपको वो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी जिसे आप मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको मेंशन करना होगा एक छोटा सा लेटर जिसमें आप सारी डिटेल अपनी बताइएगा कि आप मदर डेयरी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद में आप यहां पे ये टेक्स्ट को टाइप करने के बाद में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाएगी वो इसको रिव्यू करने के बाद आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।